तो हे गए दिस इज ट्रिकी धर्मेंद्र यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज जो हम बात करने वाले हैं, अगर आप सब आज के डेट में क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो अभी आप सब दो एप्लीकेशन को ज़्यादा ही यूज करते होंगे, जिसमें पहला तो है क्रेडिट एप्लीकेशन और सेकंड में है नो ब्रोकर। यानी ये दोनों में कंपेरिजन क्या है और दोनों आप सबके लिए बेस्ट कौन रहेगा? अगर आप सबको इमरजेंसी है तो सबसे फास्ट आप सबको कौन सा बैलेंस ट्रांसफर करके देगा, जो कि चार्ज भी सबसे कम ले रहा है दोनों एप्लीकेशन और ट्रांसफर भी फास्ट कर रहा है, लेकिन सबसे उस दोनों में भी सबसे बेस्ट कौन सा है ये पूरा प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और गाइस जाते जाते जरूर वीडियो के एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके ही लाइक से हमको एक मोटिवेट मिलता है, जरूर वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। और गाइस मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, मेरा एक और नया चैनल खुला है जिसपे मैं क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ ज्यादातर, तो आप जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस जरूर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो ज्यादा लेटेस्ट वीडियो जो मिलेगा आप सबको उसी चैनल पर मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले बता दूं कि आज के डेट में हम सब नो ब्रोकर एप्लीकेशन को ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन गाइस उसी बीच में हमको एक हमारे सब्सक्राइबर के तरफ से एक हमको स्क्रीनशॉट शेयर किया गया था नो ब्रोकर के ऊपर, जिसमें हम सबको उनका जो पैसा था पूरे 15,000 रुपया फंसा हुआ था, यानी उनका पैसा जो है 15,000 रुपया होल्ड पे डाल दिया गया था। तो गाइस वो हमको बताया कि सर हम 5 दिन से मेरा पैसा इस तरह से फंसा हुआ है, अभी मैं करूँ क्या? तो गाइस जब मैं कस्टमर केयर से मैं बात किया, खुद पर्सनली मैं खुद ही बात कर लिया, जो कि उनका मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया, मैं बोला अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए जिस नंबर से आप ट्रांसफर किए थे अपना बैलेंस, वो मोबाइल नंबर हमको दे दीजिए। तो वो मोबाइल नंबर हमको प्रोवाइड कर दिए सब्सक्राइबर ने। उसके बाद मैं खुद कस्टमर केयर से जब बात किया तो उन्होंने बोला कि ये जो बैलेंस है जब ट्रांसफर किया तो एडिट किया था बैलेंस को, जैसे कि पिछले मंथ में ये 7,000 रुपये ट्रांसफर किए थे और इस मंथ में इन्होंने 15,000 रुपये ट्रांसफर किया था। इस बेसिस पे जब सिस्टम चेंज होता है थोड़ा अपडेट करना पड़ता है, तो इसी के लिए पेमेंट होल्ड पे डाल दिया जाता है। अदरवाइज आप कुछ ऐसे जैसे कि आप इस मंथ 7,000 अगले मंथ 8,000 इस तरह का आप अपडेट करते रहेंगे तो ऐसा लगता है कि आप रेंट पे नहीं आप कुछ और कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आपका पेमेंट को होल्ड पे डाल दिया, जो कि ये जो है नो ब्रोकर के ऊपर डाला जाता है। अगर आप कुछ भी ज्यादा एडिट करेंगे, जैसे कि इस मंथ 10,000 रुपये निकाले थे और अगले मंथ 12,000 रुपये निकालेंगे, तो इसी तरह फिर से अगले मंथ 13,000 रुपये निकालेंगे, यानी एक्स्ट्रा कुछ करते जाएंगे नेक्स्ट मंथ तो आपका पेमेंट होल्ड पे डाल दिया जाता है। और होल्ड पे डालने के बाद होता क्या है, आपसे रूम एग्रीमेंट मांगा जाएगा। अगर आपके पास रूम एग्रीमेंट नहीं है तो पेमेंट आपका होल्ड पे गया है, तो अभी आप करेंगे क्या, उस पैसा को कैसे आप रिफंड लेना चाहते हैं? तो रिफंड लेने के लिए गाइस उसके ऊपर आपसे 2% चार्ज लिया जाता है, जो कि आपका क्रेडिट कार्ड को बैलेंस बैंक अकाउंट तक ट्रांसफर करने के लिए आपको 1% चार्ज लिया जाता है, बट वही बैलेंस अगर आप रिफंड करवाएंगे तो आपसे 2% चार्ज लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा महंगा हम सबको पड़ जाता है, क्योंकि पैसा तो रिफंड हो जाता है बट ट्रांसफर तो सेविंग अकाउंट में नहीं होता है, आता है क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में, लेकिन उसके ऊपर भी हम सबको 2% देना पड़ता है, कभी कभी 3% भी आप सबको देना पड़ेगा, जो कि आप सब इधर स्क्रीनशॉट एक देख लीजिए, जो इनका 15,000 रुपया फंसा हुआ था। तो यही इनका ही कस्टमर जो मैं बात किया था, तो फाइनली जाके इनका पेमेंट कट गया और रिफंड आया उनके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में, ना कि सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं आया है, बट उसका जो क्रेडिट कार्ड का जो अकाउंट था उसी अकाउंट में वो पैसा रिफंड आ गया, लेकिन आपको पैसा जो है कट करके आया है। तो गाइस ये इमरजेंसी में अगर आप कुछ कर देंगे, जैसे कि अगर इस मंथ आपको 20,000 रुपये की जरूरत है, तो अगर आपको नो ब्रोकर का डाउट लगेगा तो आपका पेमेंट को होल्ड पे डाल दिया जाएगा। लेकिन गाइस इसके स्थिति में मैं एक क्रेडिट एप्लीकेशन को जो देखा था, तो क्रेडिट एप्लीकेशन के मैं 3 ट्रांजेक्शन किया था, जो कि एक ही मंथ में 3 ट्रांजेक्शन किया और भी 1-2 रुपया का नहीं, पूरे 25,000 और 26,000 का ट्रांजेक्शन किया था और दोनों ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल रहा, नहीं होल्ड पे गया ना कुछ हुआ, क्योंकि मैं इसके भी एडिट करके देखा, हमको ये ट्रायल करना था कि पेमेंट इसमें भी होल्ड पे जाता है या नहीं जाता, जिस प्रकार नो ब्रोकर में होल्ड पे जाता था, क्योंकि एक हमारे दोस्त भी है जो कि हमारे साथ ही रहते हैं, उनका भी पैसा होल्ड पे डाल दिया गया था नो ब्रोकर के ऊपर से, साथ में हम क्रेडिट एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, उससे हम क्रेडिट कार्ड का बैलेंस जो विड्रॉ किए, तो गाइस उनका जो हम लोग 10,000 या 20,000 पे ट्रांसफर नहीं, डायरेक्ट 26,000 ट्रांसफर किए थे, तो उसमें भी कुछ भी स्थिति हम लोग को ऐसा नहीं हुआ कि पैसा होल्ड पे गया हो, क्योंकि जैसे मेरे क्रेडिट अकाउंट से पैसा डिडक्ट हुआ और इंस्टेंटली आपके सेविंग अकाउंट में भी सेटलमेंट कर दिया जाता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि आप प्लक झपकाएंगे और आपके सेविंग
अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी इतना फास्ट इसका सर्विस है। तो लेकिन हम लोग नो ब्रोकर को भी सर्विस बहुत ही फास्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि नहीं, बट इसमें होता क्या है, अगर आप ज्यादा लेन देन उसमें करते हैं, जो कि महीना में एक ही बार आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, लेकिन इसके ऊपर भी ट्रिक यूज करना पड़ता है। जैसे अगर आपके पास दो क्रेडिट कार्ड होगा तो आप मंथली में दो बार यूज कर पाएंगे, इसके लिए आपको दो सेविंग अकाउंट होना चाहिए और दो क्रेडिट कार्ड होना है, तो आप एक ही अकाउंट से दो बार मनी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट एप्लीकेशन भी सेम प्रोसेस है, आपको एक मोबाइल नंबर से और एक अकाउंट से और एक क्रेडिट कार्ड से एक ही बार निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपके पास दो क्रेडिट कार्ड है तो आप सब दो बार निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें यह नहीं है कि लिमिट आप 10,000 निकालेंगे तो फंस जाएगा या 20,000 निकालेंगे तो आपका अमाउंट को होल्ड पे डाल दिया जाएगा। तो ये क्रेडिट एप्लीकेशन इस प्रकार का लोचा नहीं है। अगर आप सब कभी भी पेमेंट अगर आप सबका फंस गया है तो आप सब ये एप्लीकेशन अगर यूज करते हैं इमीडिएटली वाला ट्रांसफर करेगा आप सबको। यानी कहीं भी मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस टाइम आप सबको पैसा को अत्यंत जरूरी है कि अभी हमको अभी का भी पैसा चाहिए वो भी कम चार्ज में, तो आप सबके लिए क्रेडिट एप्लीकेशन बेस्ट रहेगा। इसमें रेंट पे का ऑप्शन रहता है, रेंट पे के थ्रू क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर किया जाता है। आपको मेन वीडियो मिल जाएगा वो वीडियो का आइकन पे, तो आप सब वीडियो को क्लिक करके देख लीजिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आपसे वीडियो का आइकन पर जो आपको आ रहा है वही आप देख लीजिए, वही आप सबको मिल जाएगा और उधर से आप वो वीडियो के देख लीजिए कि किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है। तो वो जो चैनल का मैं लिंक डाला हूं, नीचे डाला हूं, वो हमारे सेकंड चैनल पर उस वीडियो डाला गया है, तो आप सेकंड चैनल पर जाके वो वीडियो के देख लीजिएगा। आपको नीचे में लिंक डाला गया है चैनल का, तो उस चैनल पर डायरेक्ट क्लिक करके उस चैनल पर आप पहुंच सकते हैं। तो अगर आप सब कभी भी मजबूरी में फंसे हुए हैं, अगर आप सब क्रेडिट कार्ड का पैसा विड्रॉ करना है, तो मैं तो आप सबको सजेस्ट करूंगा 99% आप सब क्रेडिट एप्लीकेशन को यूज किए और 1% मैं आप सबको यूज करने के लिए बोलूंगा क्रेडिट यानी नो ब्रोकर एप्लीकेशन को, क्योंकि नो ब्रोकर भी 1% पर ट्रांसफर करता है और क्रेडिट एप्लीकेशन भी 1% पे ही ट्रांसफर करता है। लेकिन दोनों में बेस्ट यह है कि इंस्टेंटली ट्रांसफर करता है क्रेडिट एप्लीकेशन और थोड़ा लेट करता है नो ब्रोकर। तो आप सबको दोनों में कौन सा बेस्ट लग रहा है आप सब उस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदाज से तो क्रेडिट एप्लीकेशन ही बेस्ट है, क्योंकि इंस्टेंटली आपके सेविंग अकाउंट में मनी ट्रांसफर करके देता है। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, जरूर वीडियो का लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।